आज का वरदान दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सुदेवता भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। मस्तक के बीच चमकती हुई दिव्य ज्योति मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। स्वयं दाता विधाता वरदाता शिव बाबा रोज मुझे ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। दिव्य गुणों के गहनों से मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं। अलौकिक शक्तियों से मुझे अलंकृत करते हैं। महसूस करें सर्वशक्तिमान परमात्मा के अव्यक्त पालना को, उनसे निकलते ये दिव्य किरणें मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अंतर में गहराई से मेरे मन को बुद्धि को संस्कारों को गहरी वृत्ति को दिव्य बना रही है। अलौकिकता की सुगंध बिखेर रही है। यही दिव्यता मेरी स्थूल कर्मेंद्रियों में भी हर कर्म में दिव्य गुणों का प्रकाश बिखेर रही है। मेरी दृष्टि को चेहरे को हर बोल को संबंध संपर्क व्यवहार को लौकिकता से परे अलौकिक ईश्वरीय दिव्य बना रही है। महसूस करें परमात्म शक्तियों को, परमात्म गुणों को सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में ये दिव्य गुण दिव्य शक्तियां प्रभु प्रसाद है।
चम्मच है। बाबा ने सर्वात्माओं को बांटने के लिए दिए हैं। फील करें गुण सागर बाबा मुझे गुणों की ऐसी मूरत बना रहे हैं जो अन्य आत्माएं भी अवगुणों का त्याग कर प्रेरणा लेकर ईश्वरीय गुणों को धारण कर रही है। ये गुणों की टोली आत्माओं को गुणवान बना रही है। इमर्ज करें आंतरिक दातापन की भावना को और हल्के हो जाए सूक्ष्म स्थिति से ऊपर फरिश्ते रूप में उड़ चले पृथ्वी से ऊपर और देखें शक्तिहीन आत्माओं की व्यथा को अपने आंतरिक शक्तिशाली वृत्ति से संपूर्ण पृथ्वी पर शक्तिशाली किरणें बिखेर दे। संपूर्ण वायुमंडल को आत्माओं के सर्व कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तित कर दे, देते जाए सूक्ष्म शक्तियों का दान मेरे आंतरिक शुद्ध वृत्ति मनसा सकाश आत्माओं को निर्बल से बलवान बना रही है। देते जाएं और धीरे धीरे पुनः लौट आए स्थूल दुनिया स्थूल शरीर में। बाबा ने मुझे जो कुछ भी दिया है अब मुझे अपने इस रूहानी परिवार में वह प्रभु प्रसाद बांटना है। अनुभव करें अपने संगम युगी अलौकिक फरिश्ता सुदेवता स्वरूप को
आउट।